नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अवैध आहतों पर पिलाई जा रही है शराब, एक्साइज विभाग की रेड में हुआ खुलासा, बड़ी जांच। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अवैध आहतों पर पिलाई जा रही है शराब, एक्साइज विभाग की रेड में हुआ था खुलासा, जाँच अभी जारी है। फतेहाबाद के एक्साइज डिपार्टमेंट के कमिश्नर वी के शास्त्री ने टीम ने रेड की, जहां पर पता चला कि आहतों पर लोग पीते मिले शराब। छापेमारी में भारी मात्रा में शराब की बोतलों का ढेर भी बरामद हुआ। कमिश्नर बोले, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अवैध आहतों पर पिलाई जा रही है शराब। इस दौरान छापेमारी की गई और जांच की जा रही है और अवैध आहतों को सील भी किया जाएगा। आप देख रहे हैं पल-पल की एक खास रिपोर्ट। अब यहाँ पे छक्का बंद करने का टाइम क्या है जी? 11 बजे बंदे आ रहे जी, रोटी ले गए, बस 5 मिनट की बात है। अब टाइम क्या हुआ जी? बस 5-7 मिनट ऊपर ही 100 वगैरह ही हुई थी। 11:30 हो गए जी, ठेका बंद करने का टाइम था। 5-7 मिनट की बात है, बंदे आ रहे थे, कोई नहीं की बात। नहीं टाइम क्या है बंद करने का? 11 बजे टाइम जी। अब टाइम क्या हो रहा जी? 11 बजे भाई साहब मोबाइल चल रहा है, टाइम हो गया 11:24। चलो जी, कोई बंद क्यों नहीं किया? वो बंदे आ रहे रोटी लेके जी, रोटी लेने जा रहे। नाम क्या आपका? राजेश। ठीक है, कल बंद कर दो। ये बिग रोड और ये जो आपका सिद्धू ढाबा है, इसके ऊपर हमने रेड की है, क्योंकि इसमें शिकायत मिल रही है कि भाई ये जो है मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शराब वगैरह पिला रहे हैं। तो कुछ सैंपल वगैरह दिए हैं, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कल करेंगे। तो क्या मिला सर आपको जैसे रेड की, तो आपको क्या मिला हुआ? आपकी जो बोतल है वो खाली प्रयोग की हुई मिली है, 2-3 बोतलों में कुछ शराब भी मिली है, तो उसके ऊपर कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो मंजूरशुदा है सर जिस तरह ये पिला रहे हैं? नहीं, ये कोई मंजूरशुदा नहीं है। तो क्या कार्रवाई रहेगी सर आगे? तो वो सील करेंगे कल जो है इंस्पेक्टर और मैं जाके। ठीक है।